the trip, but I gotta know. As they go, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of nigga little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlights. पहली टिप देखो, आपको इस रेनडियर को लेकर इधर आके बस इधर से जंप करो सीधा ऊपर। सबसे आसान ठीक है भाई अपार्टमेंट के ऊपर आने, क्योंकि बंदे कैंप कर रहे तो नीचे, आप ऊपर आके आराम से मार सकते हो। अभी नंबर टू, आपके पास अगर रेनडियर ना हो तो देखो आपको क्या करना है, अपने दोस्त को बोलना है कि नेड करे। फिर आपको देखो स्केट बोर्ड को लेकर सीधा जाना है ऊपर, सबसे आसान ठीक है भाई। लेकिन देखो बंदे नीचे कैंप करें, आप उसको आराम से मार सकते हो, याद रखना। अब देखो कि समझो कि बंदे ऊपर है तो आपको इधर नीचे आ जाना है, नीचे से देखो ये सब बनाना है। अभी ये टेक्निक सबको मालूम होगी कि चलो ऊपर से तक ग्लिच करके सीधा ऊपर जा सकते हो। देखो कि आपको देखो स्केटबोर्ड को जंप जंप करना है, ऐसा करोगे तो ऊपर आ जाओगे, बट ऐसा करोगे तो बंदे ऊपर रहेंगे आराम से मार देंगे। इसलिए ये नया टेक्निक तुम्हारे भाई ने ढूंढा है। इस टेक्निक में कैसा है कि आपको ऊपर जाना है बट जंप नहीं करना है, बस इधर इतना ही मारना है, फिर एपीपी करके देखना है। देखो आराम से कैंपरों को मार सकते हो। ये है तुम्हारे भाई की ट्रिप्स, किसी भी यूट्यूब में नहीं बताई होंगी, देखो तुम्हारे भाई ने बताई है। इसकी वजह से आप आराम से भाई किल निकाल सकते हो भाई अपार्टमेंट में। अब अगली ट्रिक देखो, मेन पता कासले में बंदे रहते हैं तो आपको इस जगह से डायरेक्ट जाना है, इधर आके देखो बूस्ट पावर करके सीधा ऊपर आ जाना है। आपको याद रखना ग्लाइड बड़े वाले में करना है, जो साइड वाला जो लिखा है उसमें, दूसरे वाले में ग्लाइड करोगे ना, देखो ये इसमें ग्लाइड करना है आपको। इसे ये पहुँचने हो तब वो पावर यूज़ कर दिए, जो स्पेशल बूस्ट वाली पावर, सीधा ऊपर हो जाओगे। आपको नीचे जाना तो आप नीचे भी जा सकते हो। फिर इधर आके देखो घंटा दबाओगे तो साइड में ड्रॉप आ जाएगा, ये सबको मालूम है, इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं। अब देखो अगली टिप कि आप नीचे होकर तो कासल के ऊपर जाए तो ये ऐसी जगह रहती है, आप यहाँ से आराम से चढ़ के ऊपर जा सकते हो। देखो पर बंदे आपको देखना है कि देखो आगे सीढ़ियों से जाएंगे बंदे मार सकते हो, तो आप पीछे से आके उनको आराम से मार सकते हो। अब आ जाते हैं पोचिंग की में, तो पोचिंग में देखो ये निंजा घोड़ी बन जाता है, आप किधर भी चले जाएगा ये। इसकी वजह से देखो आप अगर सामने बंदे कैंप करो तो आप सीधा ऊपर जाके उसको आराम से मार सकते हो भाई। इसका यूज़ तो बहुत ज़्यादा, अगर आप दिमाग लगा करोगे ना तो बहुत जगह यूज़ होगा, ऐसा नहीं पूछेंगे, बहुत सारी जगह है जैसे यूज़ होगा। अब सब जगह एक बार ट्राई करके देखना भाई। देखो अभी इधर से भी इधर बंदे रहते हैं, सीधा आप ऊपर जाके देखो इधर से आराम से मार सकते हो। इसका देखो यूज़ तो बहुत सारा है। अभी देखो आपको एक और यूज़ दिखाता हूँ, स्कूल में आता है देखो ये, स्कूल में आके इधर आके आप आराम से, अगर इधर आ जाते हैं तो आपको आराम से भाई होल्ड करके और आराम से मार सकते हो बंदे इस जगह से। अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी है। और अगली बात कि ये ना पानी में नहीं चलता, मेरे दोस्त को मैंने मना किया पानी में मत ले, पर इसने पानी में घुसा दिया और देखो ये मर जाएगा बेचारा। इसने लास्ट तक साथ दिया और मर गया तो थोड़ा अफसोस हो रहा है, क्या कर सकते हो। अब देखो किधर भी चले जाएगा ये पोचिंग में। अब देखो जिसको ना मालूम कि ये जगह पर देखो ये रहता है, ये चार को देखो चार तरफ रहेगा, चारों तरफ। अब चारों तरफ करके ना फिर आपको आ जाना इसकी मम्मी के पास। भैया आपने सरप्राइज दियो, हमको क्या लगता है कि इसका ये मम्मी है, बट अभी देखो क्या होता है। पहले तो ये खुश हो जाती है इसकी मम्मी। देखो भाई ये तो जुड़ गया भाई मम्मी से, सीधा जुड़ गया, इसलिए हम तो चले जाते हैं कि छोड़ो छोड़ो, पर उतने में तो ये देखो लूट देता है थोड़ी, तो वापस चले जाते हैं लूटने हम तो। ये तो मेरे को भी नहीं मालूम थी, जैसे ऐसे ही हम तो देख रहे थे, और ये देखो लूट बूट दे रहे, तो आपको अगर लूट वूट ना हो तो इधर आके आपको लूट मिल सकता है, देख लो तो ये कभी काम आएगी आपको, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो कभी कभी इस जगह पर भी फाइट हो जाता है, तो बस आप इधर रुक के भी बंदे मार सकते हो भाई। आपको बता दो कि रेनडियर किधर भी चले जाता है देखो, या उधर बंदे हो तो इस तरफ से इधर से मार सकते हो आप, आपके पास एंगल अच्छा है। तो अगले ट्रिप में कुछ ऐसा है कि आपको देखो ग्लाइड कर रहे हो ना, तो आपको जंप करके राइट साइड में जाना है, इससे क्या होगा आप सीधा छत पे आ जाओगे जिस जगह पे। आप इसे बहुत जगह पे ट्राई कर सकते हो कि जिस जगह जाना उधर जंप करो और उस जगह जॉयस्टिक को उस तरफ ले जाओ, सीधा आप ऊपर जाओगे। और दूसरी बात कि ये देखो स्केटबोर्ड पानी में नहीं चलता, पहले चलता था अब नहीं चलता, इसलिए आप देखो भाई बर्फ़ का रास्ता बना के जा सकते हो उस पर। ये तो सबको मालूम ही, इसलिए ज़्यादा मैं बता नहीं रहा, बस ये सब दिखा रहा हूँ। अब देखो किसी को ना मालूम हो तो देखो कि वाटर सिटी पर भी ये आ गया,
पर पानी में चलने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए देखो अब वाटर सिटी में सीधे आप सब जगह पर जा सकते हो। अब मेन बात, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को अभी टेबल लाइक सब्सक्राइब मारो और पार्ट तो चाहिए तो कमेंट करो, इससे भी कमाल के कमाल की टिप्स तुम्हारा भाई लेके आएगा। और एक बात की आप अपने दोस्तों को बोलो कि ये वीडियो शेयर करें और सबको दिखाई ये वीडियो, कि अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है। और इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो आपका एनिमी भी दिख रहा होगा तो ऐसा हो सकता है कि आप भी यूज़ करें, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलता है ऐसे ही कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।